नेक्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. इसमें क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू होता है बी इंटू ए के. ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं. ए इज ए को लिया है 2/3 और बी को लिया है -7/8. ठीक है, तो ए इंटू बी करेंगे यानी 2/3 इंटू -7/8, दोनों को मल्टीप्लाई करा. ठीक है, 2 इंटू -7 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इज 14 और माइनस का साइन, अपॉन में 3 इंटू 8 हो जाएगा 24. तो 14/24 इनमें कॉमन फैक्टर है, ये कट जाएगा 2 से, 2 7 ज़ा 14 होता है, 2 इंटू 12 24 होता है. तो आंसर क्या आया, माइनस का 7/12. अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं, बी इंटू ए, तो बी क्या है 7/8 माइनस का इंटू में 2/3, इसको मल्टीप्लाई किया वही हमारे पास आया माइनस का 14/20, और ये कट जाएगा 2, 7 ज़ा 14 होता है और इसको 2 से कट करेंगे 1 एंड 2. ठीक है, तो ये माइनस का आ गया 7/12. ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी इक्वल्स टू होता है बी इंटू ए के. अब चेक करते हैं डिवीज़न के लिए, कम्यूटेटिव ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न. तो ये क्या कह रहा है कि ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए. ठीक है, इसको भी चेक कर लिया हमने, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू लिया है. ठीक है, तो ए डिवाइडेड बाई बी करेंगे तो क्या 2/3 डिवाइडेड बाई 7/8 होगा. ठीक है, इसको डिवाइड करने का तरीका 2/3 साइन डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया और इनको चेंज कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये उल्टा हो जाएगा 8/7. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 3 इंटू 7 इज 21. अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है, बी डिवाइडेड बाई ए, तो बी को पहले लिखेंगे 7/8 डिवाइडेड बाई 2/3. ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/8 इंटू में 3/2. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 इज 21/16. ठीक है, तो ये क्या था 16/21, ये है 21/16, मतलब दोनों LHS और RHS जो है वो नॉट इक्वल है. ठीक है, तो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है एडिशन को और मल्टीप्लीकेशन को, दोनों साइड्स हमारी इक्वल होंगी, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले वही चारों के लिए हम चेकआउट करेंगे. तो सबसे पहले एडिशन के लिए चेकआउट जब हमने किया, तो एडिशन इज एसोसिएटिव है. ठीक है, कैसे, कि ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी जो है वो इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी, वेयर ए बी सी आर रैशनल नंबर्स हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है एडिशन के केस में. ठीक है, उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. ठीक है, मतलब क्या है, ए माइनस इन ब्रैकेट बी माइनस सी इज नॉट इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी. ठीक है, इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि पहले बी माइनस सी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसको ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. इधर क्या है, पहले ए सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए ए माइनस बी को हम सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से सी को माइनस करेंगे. सेम यहाँ पे एडिशन में है. ठीक है, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, ये इसको यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे दोनों पार्ट्स. उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव. ठीक है, बिकॉज ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी इंटू में सी. यहाँ पे क्या है, पहले बी इंटू सी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ए से. पहले इसमें क्या होगा, ए इंटू बी करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट है डिवीज़न. डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव. ठीक है, इट मीन्स ए डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी, बी और सी को पहले डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको ए से डिवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे है ए डिवाइडेड बाय बी, पहले इनको सॉल्व करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसको सी से डिवाइड करा जाएगा. ठीक है, तो दोनों जो ये LHS RHS है यहाँ पे हमारा इक्वल नहीं होता, तो डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है.